साल बाद अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की वापसी होगी, अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा या फिर किसी गैर गांधी नेता के हाथ में पार्टी की कमान जाएगी, ये चर्चा जोरों शोरों के साथ राजनीतिक गलियारों में हो रही है और यही चर्चा चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। अब इन सबके बीच में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान सामने आ गया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर बड़ी बात कह दी है। वाड्रा से जब इसी को लेकर सवाल किया गया, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, भविष्य के अध्यक्ष के बारे में पार्टी का सामूहिक फैसला होगा। रॉबर्ट वाड्रा से जब गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, इस पर पार्टी सामूहिक रूप से फैसला लेगी। हम राजीव गांधी और सोनिया गांधी के सपनों के साथ देश के लिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के उस फैसले का समर्थन किया जिसमें राहुल ने कहा था कि अब वक्त आ गया है, कांग्रेस को दूसरा विकल्प चुन लेना चाहिए। अगला अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का हो, मेरी सहमति इसी पर है। गैर गांधी अध्यक्ष हमें जो भी फैसला देगा हम उस पर काम करेंगे, वो हमें जो भी आदेश देंगे हम उसे सबसे ऊपर मांगेंगे। आपको बता दें, आगामी हफ्ते कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने की संभावनाएं हैं और इस बैठक के बाद ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।